स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवास पर। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं, क्रिस बने हुए हैं और मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 2 अंक ऊपर है, बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है आज समय एसजीएक्स निफ्टी। मयूरेश तो जानते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को। मयूरेश बताइए क्या राय बन रही है 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद। कल थोड़ा दबाव वाला सेशन था, आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कैसा रह सकता है? मॉर्निंग अमित जी, आई थिंक क्लियरली मार्केट कंसोलिडेट हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो ईसीबी ने कल स्टिमुलस अनाउंस किया था बेटर देन एक्सपेक्टेड था। दूसरी बात, जो आरबीआई के एक्सपेक्टेशंस मार्केट उम्मीद लगाए बैठा है कि 50 या 25 बेस के जो कट्स आएंगे वॉट एवर द केसेज, आई थिंक वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तीसरा, अगर मानसून ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months अच्छे रहे तो जो आई थिंक रूरल स्पेंडिंग पे जो बजट ने एम्फोसिस दिया है वहां पे एक अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है। बट लुकिंग इनटू ऑल दीस एस्पेक्ट्स, आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी वीक रहेंगे, केपेक्स साइकिल वीक रहेगा, ग्लोबल डेटा पॉइंट्स काफी वॉलेटाइल है, तो मुझे लगता है मार्केट एक रेंज में रह सकता है। हालांकि आई थिंक निफ्टी की मूवमेंट एटलीस्ट टैक्टिकली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो ये राय बाजार पर, लेकिन एक सेक्टर जिस पर राय लेना चाहता हूं और वो है रियल एस्टेट का। सुब्रमण्यम साहब, कल रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हो गया राज्यसभा में। अब समझा ये जा रहा है आमतौर पर ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव वाला मामला है, और दूसरी बात यह कि ये शेयर पहले से भाग भी चुके हैं इस उम्मीद में कि ये बिल पास होगा। कहीं कोई अगर आपको लगता है कि शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए तो वो कौन सा स्टॉक है, या फिर आप एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर नीचे खुले और खरीदना चाहें तो वो भी बता दीजिए। मानी जी, आई थिंक यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। इसका वजह ये कि अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर अगर पूरी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है डीएलएफ एसडीआईएल ये सब काउंटर्स अगर आप देखें तो लास्ट आई थिंक 3-4 महीने में एक एक्यूमुलेशन फेज पे है, और खास करके अगर आप देखें तो इसके चार्ट भी अगर आप देखें आई थिंक देयर ऑल यहाँ 200 DMA के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, वो काफी अहम है। ऑफकोर्स यहाँ नियर टर्म में थोड़ी बहुत प्रेशर आ सकती है, लेकिन इसके अगर निफ्टी के हिसाब से भी कंपेयर करें निफ्टी अभी भी 200 DMA से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट काउंटर्स में एक बाइंग की एक रुचि बनी है। और मुझे अगर इनमें से इस स्पेस में अगर चुनने का है, और जो भी हमने बजट के बाद या हमने काफी राइज देखी है उसमें एचडीआई हाउसिंग डेवलपमेंट ये खास करके मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अच्छी खासी बूस्ट मिली है, और यहां पर ऑलरेडी हमने बजट के बाद अच्छी खासी यहां पर बढ़त देखी है, 60 से 70 के आसपास गए, तो हो सकता है आज एक थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिले। लेकिन मेरा मानना है कि शायद किसी को अगर दाव लेने का शायद 65-66 इसके आसपास यहां पर इस एचडीएल को खरीदार कर सकते हैं। आई थिंक नियर टर्म टारगेट 75 यहां तक जाने की पूरी संभावना है। एंड इवन डीएलएफ आई थिंक यहां पर चार्ट के लेकर आप देखें तो शायद थोड़ी बहुत यहां नियर टर्म प्रेशर है, लेकिन नीचे मेरा मानना है कि शायद एक खरीदारी करके चलनी चाहिए। आई थिंक ओवरऑल इस सेक्टर में आई थिंक 2016 में एक डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस देखने की पूरी चांसेस है। ओके चलिए, तो डीएलएफ ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल सीएनबीसी आवाज ने भी इसको एक रियल एस्टेट अवार्ड दिया है, तो इस शेयर पर जरूर नजर रखिएगा। लेकिन कोलगेट पामोलिव ये एक ऐसा स्टॉक है मयूरेश, देखिए जो हर रोज नए 52 हफ्ते के निचले स्तरों को छू रहा है, पतंजलि का जिस तरह से एक कॉम्पिटिटर के रूप में उभरा है वो लगता है वहां से ही प्रेशर देखने को मिला है। कल बड़े वॉल्यूम्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या खरीदारी करने का अच्छा मौका दे रहा है ये शेयर, या और नीचे जा सकता है, क्या व्यू बन रहा है आपका? नहीं, जैसे ये शेयर की पिटाई हुई है आई थिंक ऑब्वियस रीजंस यही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जिनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशंस है पतंजलि के लॉन्च के वजह से, इट इज पॉसिबल कि जो फियर फैक्टर है स्ट्रीट के ऊपर कि जैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ेगी, जैसे टाइप्स करेंगे शायद अदर मल्टी ब्रांड एजेंसीज के साथ, आई थिंक दे रिट्रेंच इनटू रूरल एरियाज। बट कोलगेट का जो प्रेजेंस है नॉट जस्ट इन इंडिया, आई थिंक वर्ल्ड वाइड जो प्रेजेंस है आई थिंक ये काफी वेल नोन है, अलग अलग डिवर्स प्रोडक्ट्स है, और मुझे जो लगता है आई थिंक जो इनकी ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड रिकॉल है अभी भी स्ट्रॉन्ग है। उदाहरण सर देना चाहता हूं, आई थिंक परसों ही हम मॉल गए थे और मेरी बच्ची बोल रही थी हम कोलगेट खरीदते हैं, सो देयर इज नो टूथपेस्ट, आई थिंक ये कोलगेट ही एक सिनोनिम है, और मुझे भी लगता है आई थिंक जो पतंजलि खरीदते होंगे वो तो बोलते रहेंगे यार कोलगेट वाली पतंजलि देना, तो आई थिंक आई एम नॉट बायस टुवर्ड्स द स्टॉक, बट जो एक ब्रांड रिकॉल है काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड विद दैट इंटेक्स इटसेल्फ जो आरओईज ये कंपनी जनरेट करती है, जो कैश फ्लो जनरेट करती है, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट कोलगेट कैन प्रॉब्ली गेट इनटू इट्स डिस्प्ले, जो मल्टी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो इंडिया में लॉन्च नहीं किए हैं, अगर ये करते हैं और द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड मंथ्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ द स्टॉक डिक्लाइंस फर्दर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। क्वालिटेटिव स्टॉक है, क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है, कोलगेट था कोलगेट रहेगा।
यानी ब्रांड पर पूरा भरोसा है आपको एक्चुअली। जैसे कहते हैं ना कि सर्फ दे दो, तो सर्फ एक ऐसा नाम है जो हर डिटर्जेंट के लिए यूज हो जाता है, वैसे ही मयूरेश कह रहे हैं कि कोलगेट एक ऐसा नाम है जो हर टूथपेस्ट के लिए यूज होता रहे। सेम जैसे कि पहले लेदर शूज को बाटा के जूते कहा जाता था और वनस्पति घी को डालडा। जी हाँ, कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसी बन जाती है जो कि वो प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट हो जाती है। लेकिन एक बार चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि कल मैं देख रहा था बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर प्रेशर बना हुआ था। राकेश, चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं। कल स्टॉक ने एक नए लाइफ टाइम लोस पे क्लोजिंग ली है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लिया है। अगर किसी की शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं तो ऊपर में 840 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। बेचने वाले के लिए 840 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 840 के ऊपर निकलता है तब स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। बट हेमंत जी, एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी मयूरेश भी बोल रहे थे, देखिए पतंजलि मुझे भी नहीं लगता है कि कोलगेट के लिए थ्रेट है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है एक 2500 करोड़ की कंपनी अगले साल 4000 करोड़ की बन जाएगी। एक नया प्रोडक्ट आता है, मास पॉपुलेशन है, एक लोग ट्राई करते हैं। बट अगर आप इसको ट्राई करें पतंजलि के टूथपेस्ट को, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। इसके जैसे शैम्पूज हैं, शैम्पू को भी अगर आप देखते हैं तो इट्स नॉट शैम्पू, इट्स क्लीनर। मुझे भी लगता है जिस तरीके से मयूरेश ने बोला है कि जैसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट इनके लॉन्च होंगे तब एक देखने को मिलेगी, इसके अंदर भी एक रैली देखने को मिलेगी। मुझे भी लगता है डाउनसाइड के दायरे सीमित है, लंबी अवधि का नजरिया बना के इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो आपने प्रोडक्ट यूज किए, मजा नहीं आया। मयूरेश, आपने यूज किए प्रोडक्ट, आपका क्या रेस्पॉन्स है? प्रोडक्ट तो ठीक ठाक लगे, लेकिन जो एक टेस्ट का फैक्टर है, आई थिंक कोलगेट हैज दैट बेटर। चलिए बात कर ही रहे तो क्रिस से भी पूछते, उन्हें क्यों छोड़ा जाए। सर, आपने यूज किए क्या ये प्रोडक्ट? ये काफी इंटरेस्टिंग चर्चा है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें शामिल होना चाहूंगा। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर यूज तो किया हूँ। देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रीमली गुड, और आई थिंक इसमें इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली कॉस्मेटिक क्षेत्र पे अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये सब जो एमएनसी से इनकी काफी एडवांटेजेस है, लेकिन उसमें शायद कैचिंग अप करने का अभी भी यहाँ पर टाइम लगेगा पतंजलि को। बट आई थिंक डेफिनेटली एग्रेसिव है, और लेकिन मार्केट शायद ओवररिएक्शन पे, दैट इज डेफिनेटली एग्री विद मयूरेश एंड राकेश, मार्केट ओवररिएक्ट किया है। और खास करके कोलगेट की अगर हम बात करें, मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट शायद देखने को मिले, 750-760 इस लेवल पे अगर आप जाए तो आई थिंक अच्छी खासी एक वैल्यू पिक है। और मेरा मानना है कि उस लेवल तक अगर किसी को वेट कर सकते हो तो आई थिंक उस लेवल पे मेरा मानना है अच्छी खासी एक वैल्यू पिक लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। चलिए, तो ब्रांड लॉयल्टी है अनिल अभी भी, देखिए कोलगेट के लिए सब लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर होगा करेक्शन के बाद। लेकिन आप देखिए एमएनसी कंपनी है, और बाबा रामदेव ने जिस तरह से पतंजलि को एग्रेसिवली मार्केट किया है, उसी का असर देखने को मिल रहा है कोलगेट के स्टॉक पर। और एक इसी तरह का शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, देखिए डीआईजीओ, ये भी एक एमएनसी कंपनी है, लेकिन यहां पर माल्या साहब का जो हैंगओवर है वो छाया हुआ है। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब बात करेंगे कल के एक बड़े डेवलपमेंट की, जिसे ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, कल सरकार ने तेल और गैस पॉलिसी में कुछ बदलावों का ऐलान किया है। अब गहरे समुद्र में से गैस और तेल निकालना आसान होता हुआ दिखेगा। कितना फायदा मिलेगा देश की सबसे बड़ी और दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ओएनजीसी को, यह जानने की कोशिश करते हैं। ओएनजीसी के सीएमडी डीके सराफ साहब का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सराफ साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल जो कुछ भी ऐलान सरकार की तरफ से किए गए, कितना फायदा मिलेगा आपको? इससे हमको बहुत फायदा मिलेगा, और सबसे ज्यादा फायदा तो मिलेगा कि एक हमारा गैस की डिस्कवरी थी जिसको हमने काफी पहले किया था, उसका नाम है KG-DWN-98/2। उसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गैस की जो कीमतें थी वो बहुत ठीक नहीं थी, और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनकी कीमतों में कुछ बदलाव किया जाए, उनकी जो कीमतें हैं वो कुछ बढ़ाई जाए। ये कल का जो निर्णय है बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय है, एंड मैं तो कहता हूं कि ये ऑयल इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन डे की तरह है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो कीमतें हैं वो ऑयल एंड गैस कंपनीज खुद ही डिसाइड कर पाएंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिस्कवरीज इन द डिफिकल्ट फील्ड लाइक डीप वाटर, अल्ट्रा डीप एंड HPHT, विच इज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर।
सो इन जगह जो नई इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके संबंध में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑयल एंड गैस कंपनीज को कीमतें तय करने का अधिकार होगा और मार्केटिंग यानी कि किसको वो गैस बेचें वो तय करने का भी अधिकार होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी एक और चीज भी की है इसके साथ ही कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीलिंग प्राइसेस भी लगा दी है कि इससे ज्यादा प्राइसेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय से हम अपना इस डिस्कवरी को मोनेटाइज कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेंगे। तो अब बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है आपकी कंपनी के लिए, पूरे सेक्टर के लिए। सर मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और अब आपसे जानना चाहता हूं कि अंडर डेवलप्ड डिस्कवरीज जो होंगी नए गैस की, तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी नए फॉर्मूले के हिसाब से? क्योंकि कुछ रिपोर्ट कह रही है $4 होगी, कुछ कह रही है $5 होगी, CLSA 5 कहता है, नमूरा 4 कहता है। आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे सही आकलन क्या होगा? गवर्नमेंट ने 3 कीमतें तय की हैं और ये कहा है कि जो भी कीमत इन तीनों में से सबसे कम होगी वो हम मैक्सिमम प्राइस वसूल कर पाएंगे कंज्यूमर से। ये 3 कीमतें जो है उन्होंने बोला है कि जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं उसके बराबर की कीमतें होंगी इंपोर्टेड प्राइस। तो पहली जो वो है वो फ्यूल ऑयल की जो प्राइस है वो होगी, दूसरी जो कीमत है वो इंपोर्टेड एलएनजी की प्राइस होगी और तीसरी जो कीमत है वो उन्होंने कहा है कि वेटेड एवरेज ऑफ 3 अल्टरनेट फ्यूल्स। ये जो वेटेड एवरेज बोली है गवर्नमेंट ने उसमें 3 जो फ्यूल 3 फ्यूल्स रखे हैं वो रखे हैं इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड एलएनजी और नाफ्ता। तो ये जो 3 जो हुई इन सब में जो सबसे कम होगी वो किया जाएगा और हमारी हमने कुछ रफ कैलकुलेशंस की हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कीमत जो है $7 पर MMBTU आती है। ओके। अगर हम 2015 कैलेंडर ईयर की प्राइसेस को कंसीडर करें, 2015 की प्राइसेस का रेलेवेंस अभी क्या है कि जो 1 अप्रैल 2016 से जो प्राइसेस एप्लीकेबल होंगी वो सरकार ने कहा है कि 2015 की जो प्राइसेस हैं इन फ्यूल्स की उसके ऊपर निर्धारित की जाएंगी और इन प्राइसेस को हर 6 महीने बाद रिवाइज किया जाएगा। ओके। तो हमारी वर्किंग के हिसाब से ये आज की प्राइसेस के हिसाब से $7 आता है, तो $7 के आसपास आता है। अब बड़ा सवाल ये, जो कुछ बदलाव हुए हैं पॉलिसी में, आपके लिए मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं। पहला तो ये कि अब आप कितना नया निवेश, नया कैपेक्स करने वाले हैं। दूसरा ये कि इन फील्ड्स में जो 2 फील्ड्स की उसमें कब से फिर आप प्रोडक्शन लेना शुरू करेंगे? जहां तक 98/2 का संबंध है हमने इसका फील्ड डेवलपमेंट प्लान बना लिया है, डीजीएस को उसको हमने भेज दिया है, डीजीएस ने भी उसको एग्जामिन करके वो ऑलमोस्ट अप्रूवल की स्टेज पे है। ओके। रुकावट ये आ रही थी कि जो गैस प्राइस है वो थोड़ी कम है और उससे हम नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो अभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बहुत जल्द लेंगे और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बाद में 3 से 3.5 साल के अंदर इसकी गैस की प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर पाएंगे। ओके। तो कितना हम गैस का प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो हमारा ये अनुमान है कि 17 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे गैस का और 77,000 बैरल्स पर डे तेल का इससे हमारा उत्पादन हो पाएगा, पीक प्रोडक्शन। ओके। और सर रत्ना और आर सीरीज के जो ब्लॉक्स मिले हैं उससे कितना अतिरिक्त प्रोडक्शन होगा वो भी हमें बताएं? इसको अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि इसमें कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी इसको हम करके इस पर भी हम अपनी उचित कार्रवाई शुरू करेंगे। चलिए बस शुक्रिया सरदार साहब आज समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आकर ये सब एस्टिमेट्स हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ONGC के शेयर पर बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी देखते रहिए CNBC आवाज। पहला सुबह में आप सबका स्वागत है, खुलने वाले हैं भारतीय बाजार। प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं आपको किस तरह के संकेत आ रहे हैं, एकदम सुस्ती है लेकिन हरे निशान में है SGX निफ्टी और उसकी वजह है कि एशियाई बाजार कमजोर खुलकर रिकवर करते हुए दिख रहे निचले स्तर से। हालांकि निके भले पौन से 1% कमजोर है लेकिन हांगकांग के बाजार हरे निशान में लौट चुके हैं, शंघाई के बाजारों में कोई खास बड़ा बदलाव है नहीं, तो कुल मिलाकर संकेत उतने बुरे नहीं जितने शायद
हो सकते थे यूरोप के भारी उतार चढ़ाव और कमजोरी के बाद। चलिए शुरुआत होती है भारतीय बाजारों की, बता दूं आपको किस तरह के संकेत आ रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है, 8 अंक ऊपर नजर आएगा आपको निफ्टी। एचडीएफसी कल अच्छी रिकवरी दिखाकर दिन के हाई पर बंद होने होता नजर आया, आज 3% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग की पहली टिक पर। पीएनबी 1.5% ऊपर, लीवर में 1.25% का इजाफा। ये दो तीन स्टॉक हैं जो 1-1% से ज्यादा दिख रहे हैं मजबूत। इंडसइंड बैंक 9% नीचे, अंबुजा में 2% का नुकसान। रुपए की शुरुआत, और कल हमने देखा था रुपए में काफी बेहतरीन रिकवरी होती हुई दिखी थी, तो आज थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है। 10 पैसे नीचे खुलता हुआ रुपया, 67.16 रुपए का लेवल आपकी स्क्रीन पर रुपए के लिए। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। तो कोई खास बड़ा बदलाव अब तक नजर नहीं आ रहा है, फोकस कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर रहेगा एक्शन। कौन कौन मयूरेश, बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है इस स्टॉक के ऑफर फॉर सेल को, जिस तरह का कल रिटेल का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, इंस्टीट्यूशंस में भी बिना एलआईसी की बड़ी मदद के भर गया आराम से, एफआईज ने भी अच्छा लिया है स्टॉक। जो लोग मिस कर चुके हैं, जो नहीं लगा पाए पैसा ऑफर फॉर सेल में, क्या मार्केट में खरीदना चाहिए उन्हें, यदि हाँ तो किस दाम पर? नहीं अनिल जी, आई थिंक मुझे लगता है डिक्लाइंस के लिए राह देखनी चाहिए स्टॉक के लिए। आईसीडीज हैं, रेवेन्यूज डिसेंटली ग्रो हो रहे हैं, मुझे लगता है द एंटायर प्ले विल बी ऑन हाउ द एक्सिम वॉल्यूम्स पैन आउट, और दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस स्टेज पे प्रोग्रेस करता है और कब कंप्लीट होता है। अभी एक्सपेक्टेशन यही कि अगले 2 साल पर FY18 द कॉरिडोर शुड बी कंप्लीट, और जो रोड ट्रांसपोर्ट एक मार्केट शेयर गेन कर चुका है एंड बिकॉज ऑफ एंड यूजर अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ फॉल इन डीजल प्राइसेज, जो फ्लीट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और जो हॉलेज चार्जेस साइमल्टेनियसली रेलवेज ने बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग जो हमने देखी है ऑफ रेल फ्रेट एंड रेल कैरेज आई थिंक हैज गॉन टू द रोड सेक्टर। तो मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ विल डिपेंड मोर और लेस ऑन हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी स्लगेज, और जो डीएफटी है जो मुझे लगता है विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इट टू बी ऑपरेशनल। वैल्यूएशन के हिसाब से 25 टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ्स एवरेज पे ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली आई थिंक वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन द स्टॉक एंड लिए एंड दिस मोमेंट आई थिंक आई नॉट रश एंड बाय टू दिस। ओके, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और नीचे के लेवल्स मिलेंगे तब खरीदारी करिएगा। वैसे अभी हैंगओवर जरूर खत्म हुआ है उस ओएफएफ का, तो आज हो सकता है थोड़ी बहुत मजबूती इसमें बने। प्री ओपनिंग सेशन में फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चर्चा में दो शेयर हैं, आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड स्पिरिट्स हर रोज नए 52 हफ्ते के निचले स्तरों को छू रहा है। राकेश, चार्ट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी देखकर बताइए और यूनाइटेड ब्रूवरीज के भी देखकर बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन बना हुआ है किंगफिशर के ब्रांड को लेकर। एसबीआई कैप्स ने जिस तरह से किंगफिशर की एयरलाइन के ब्रांड को अपने पास रख लिया है, अब कंफ्यूजन ये है कि कहीं किंगफिशर ब्रांड को भी ना वो सीज कर लें। और देखिए वैसे भी विजय माल्या जी की करीब करीब 32% हिस्सेदारी है यूनाइटेड ब्रूवरीज में, करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की, तो हैंगओवर इस पर भी देखा जाएगा शायद। दोनों ही चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? स्पिरिट्स की बात करें तो स्टॉक ने एक वर्टिकल डिक्लाइन दिखाया, ऊपर से ऊपरी स्तरों पर देखें तो 2440 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, निचले स्तरों पर देखें तो 2230 एक सपोर्ट है। स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन खड़ी है 2230 के लेवल पर नजर रखें। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं तब काफी दिक्कत हो सकती है, एल्स अगर ये स्टॉक ऊपर में 2440 के ऊपर निकलता है तब नई तेजी की शुरुआत होगी। एल्स स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, 2440 के ऊपर खरीदना चाहिए, 2230 के नीचे फ्रेश शॉर्टिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रिवरीज को देखें तो ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना रहा है, स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम टॉप फॉर्मेशन बना है, और स्टॉक में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऊपर ही एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है, 820 से लेकर 823 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। स्टॉक एक साइड में जोन में ट्रेड कर रहा है, अगर मौजूदा स्तर 802 के अराउंड है, अगर स्टॉक 823 के ऊपर निकलता है तब एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, तब इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है, एल्स स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। नीचे में 775 एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर 775 के लेवल्स नीचे में टूटते हैं तब एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टॉक पर। देखना होगा सेंटिमेंट का कोई नेगेटिव असर यहां पर दिखता है या नहीं, तो ये एक एक्शन वाला स्टॉक। एनबीसीसी ये स्टॉक है जो स्टॉक स्प्लिट करने जा रहा है, आज बोर्ड बैठक है, हालांकि अंदाजा पहले से था कि आज बोर्ड बैठक होने वाली, लेकिन फिर भी आज है तो देखें कि किस तरह का एक्शन हो सकता है। ये बताएं एनबीसीसी के स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप मयूरेश, खरीदना चाहिए?
बिल्कुल, अगर डिक्लाइन पे आते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अनिल जी स्टॉक को देख सकते हैं। ऑर्डर बुक बर्जन हो रही है और जैसे इनको प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम रीडेवलपमेंट, आई थिंक काफी अच्छी तरह से ओवर द नेक्स्ट टू इयर्स ऑर्डर बुक कैन एक्चुअली डबल इन आर ओपिनियन। दूसरी बात, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, आई थिंक एक रिस्क फ्री एलिमेंट आता है इसमें, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर बैक बाय द गवर्नमेंट और जो 10% चार्ज लगाते हैं दैट प्रॉब्ली गिव्स देम कंसिस्टेंट कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्डली, बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। फोर्थ, आई थिंक वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे बीच में जब स्टॉक चल गया था, लेकिन आई थिंक विद द करेक्शन दैट वी सीन काफी रीजनेबल हो गया कंपेयर टू व्हाट इट वाज ट्रेडिंग अर्लियर। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्टॉक अगर डिक्लाइंस पे मिलता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। डिक्लाइंस पर मिलता है तब वहां पर खरीदारी आपको करनी चाहिए। ये बताइए क्रिस, बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी, इसको आज किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो ये बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो जो एक रेजिस्टेंस बन चुका था 15,400 वो अभी भी बरकरार है, उस लेवल को पार करने में आई थिंक अभी भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आई थिंक उसी लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रैटेजी एक यहाँ पर हमें अगर कोई स्ट्रैटेजी बनने का तो हम जो सलाह दे रहे हैं यहाँ पर 14,800 इसकी पुट यहाँ पर बेच के चले जो 180 के आसपास है और 15,400 यहाँ का कॉल बेच के चले जो 270 के आसपास है, तो दोनों का जो प्रीमियम इनफ्लो है 450 के आसपास आएगा और इसका स्टॉप लॉस 500 रखे और हम टारगेट 250 का दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक रेंज प्ले है क्योंकि डायरेक्शनल प्ले अभी फिलहाल देना आई थिंक द करंट जन से थोड़ी बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके कहां हैं। स्टॉक 2020 का मैच खेला गया था 7:30 से 8 के बीच में और रिकमेंड किए गए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, वो शेयर क्या है, टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस और कैसे ट्रेड करें आप तेजी या मंदी की तरफ, हमारे दोनों कैप्टन्स की राय आपके सामने। चलिए 10 के 10 शेयर है हमारी टीम के, आप फटाफट से देख लें स्टॉक की वजह से लेकर निटको टाइल्स, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हुआ है तो बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये। इसके अलावा आप कंसाई नैरोलैक पे भी नजर रख सकते हैं, इसको भी बेनिफिट होगा क्योंकि अब इनके ऑर्डर्स रुकेंगे नहीं बल्कि जो ऑर्डर्स पे काम आपको पूरा करना है वो इनको भी एक जो इनके प्रिक्रूटमेंट होती है अपने अपने प्रोडक्ट्स की वो पूरी होती हुई दिखेगी। GIC हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग में ही फाइनेंस करता है तो NPA का जो स्टेटस है वो काफी हद तक कम होगा इस रेगुलेटरी बिल से, इसको बड़ा बेनिफिट होगा। और साथ ही प्राइकॉल यूरोप में अर्थव्यवस्था को तेजी देने की जो बात सामने निकल के आई है उससे ऑटो एंसिलरी में प्राइकॉल को एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि यूरोप में ये सप्लाई करती है। इसके अलावा आंध्रा बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड किया ग्रिसिल की तरफ से, नुकसान बनेगा। ACC डेरिवेटिव के हिसाब से शॉर्ट कैंडिडेट है, डिपेंडेबल शेयर की तरफ से हमने रखा है। सन फार्मा के अंदर एक रिकॉल किया इन्होंने दवा का, 3.5 लाख से ज्यादा कार्टन शॉर्ट हो सकता है। IDBI रेटिंग डाउनग्रेड शॉर्ट है, फीड के तौर पर आप देखें तो स्कीपर को 120 करोड़ का ऑर्डर है, फायदा मिलेगा। और सिंजन एक डिफेंसिव प्ले, एक अच्छा मोमेंटम आज 405 के टारगेट के लिए मिल सकता है, बाय करके चल सकते हैं। 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों को टीम में आज शामिल किया है और शुरुआत गेंदबाजों के साथ करी है। PSU बैंक सुपर सिलेक्टर्स बेरिश इसलिए क्रिसिल ने जिस तरह से कल अपनी रिपोर्ट में कई बैंकों को डाउनग्रेड किया है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और आखिरी में देखिए सिंडिकेट बैंक को भी टीम में शामिल किया है। तो ये PSU बैंक पर बेरिश हैं सिलेक्टर्स और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन ने जिस तरह से नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी उठाई है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक के लिए ETF के दाम भी घटे हैं वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है और कच्चे तेल भी ओवरनाइट देखिए कमजोर हुआ है। BF यूटिलिटीज, BF इन्वेस्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में मामला है आज नाइस के लिए और अगर वो मंजूरी मिलती है सुप्रीम कोर्ट से डेवलप करने के लिए लैंड बैंक को तो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इस शेयर में आप तेजी तभी करें जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए। साथ ही मन्नापुरम जनरल फाइनेंस आज बोर्ड बैठक है इसलिए रडार पर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स और कोलगेट ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं, रोज ये शेयर 52 वीक लो छू रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में विजय माल्या का हैंगओवर है और कोलगेट में देखिए आप पतंजलि का हैंगओवर है तो यहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं और NBCC को फ्री हिट का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। चलिए तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन नजर रखिएगा इंफोसिस के स्टॉक्स पर भी। कल हमने देखा था इसमें जरूर दबाव देखने को मिला था, 862 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे को प्रमोटर्स ने, क्रिस गोपाल कृष्णन ने और SD शुभुलाल ने 1,150 रुपए के एवरेज प्राइस पर वो शेयर बेचे गए थे, लेकिन अब वो ब्लॉक डील हो चुकी है, हिस्सेदारी चुकी है। ये बताइए राकेश, चार्ट देखकर क्या लग रहा है आज यहां पर तेजी करनी चाहिए क्या?
देखिए हेमंत जी, चार्ट तो ओवरऑल पॉजिटिव है। कल के सत्र में इन डील्स के चलते स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी और एक गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक में निचले स्तरों पर देखें तो 1109 से लेकर 1120 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। 1142 कल की क्लोजिंग थी। मुझे लगता है स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। नीचे में 1109 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 1190 1195 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त इंफोसिस के स्टॉक पर, जहां देखना होगा आज किस तरह का एक्शन होता है। आज जो कमजोरी का एक्शन दिख रहा है थोड़ा प्राइवेट बैंक्स में दिख रहा है मुझे, आईसीआईसीआई यस और इंडसइंड कमजोर दिख रहे हैं। सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कहीं कोई मौका है किसी स्टॉक में, अगर आपको लगता है शॉर्ट पोजीशन बनाए या फिर निचले स्तर पर खरीदारी करनी हो तो? दो स्टॉक्स जो मेरे ध्यान में है वो है एक टोरेंट फार्मा। अगर आप देखें तो कल ऑलमोस्ट 11% की ओपन इंटरेस्ट बढ़ी है और यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट देखी है। यहाँ पर इसका कल क्लोजिंग जो था 1271 और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज भी वीकनेस जारी रह सकती है। डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छी खासी थी इसमें, यहाँ पर डिलीवरी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा थी कल डिलीवरी वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो मेरा मानना है कि शायद ये 1200 तक लेवल आने की पूरी संभावना है, तो इसमें बिकवाली करके चले। दूसरा जो बाइंग में जो मेरा रिकमेंडेशन हुआ है ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहां पर अभी नए एंट्रेंट है एफएनओ सेगमेंट में। कल जबरदस्त यहां पर ऑलमोस्ट 50% की ओपन इंटरेस्ट बढ़त आई है और अगर आप देखें तो आई थिंक फंडामेंटली ये काफी पॉपुलर स्टॉक रहा है और अभी ये लेट एक्चुअली उम्मीद से लेट एक्चुअली इसमें एक्चुअली बाइंग आ रही है। मेरा काफी एक्सपेक्टेशन था 110-115 के आसपास से यहां पर अच्छी खासी बाइंग फास्ट आएगी, लेकिन ग्रेजुअली आई है तो एक अच्छी खास बात है। कल 125 के आसपास यहां पर बंद हुई। मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म में 135 यहां तक एक मिनिमम टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए तो ये राय इन स्टॉक्स पर, लेकिन नजर रखिए आज ONGC पर भी। कुछ देर पहले ONGC का मैनेजमेंट हमारे साथ था जो बता रहे थे कि $60 का जो प्राइसिंग निकल कर आएगा नए फॉर्मूले के हिसाब से, जिस तरह से सरकार ने कल ऑयल एंड गैस के लिए बड़े रिफॉर्म्स पेश किए हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है और 1% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है ये शेयर। इसके चार्ट पर एक राय लेना चाहता हूं राकेश, इसके चार्ट कैसे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत जी, अगर ONGC के चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक में जो पिछले 4-5 दिनों से एक रैली बनी हुई है, पुल बैक रैली लगती है। टेक्निकली ये इसका स्ट्रक्चर बाइंग का नहीं है। अगर इस न्यूज के चलते कुछ लेना हो तो रिलायंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है और कल की गिरावट स्टॉक में सिर्फ एक करेक्शन लगती है। रिलायंस स्पेस से बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और एज ऑफ नाउ ONGC स्पेस से सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। अच्छा, ONGC में सेल ऑन रैली और रिलायंस बाय ऑन डिप्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पेयर ट्रेड बताया है राकेश ने। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी यहाँ पर दे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ओके, तो अच्छा चलिए, प्री ओपनिंग सेशन में जो मार्केट अब दिख रहा है इस वक्त, वो ये बता रहा है कि कहीं कोई डायरेक्शन है नहीं। इंटरेस्टिंग होगा है मंथ सिर्फ खुलकर किस तरफ पहले बढ़ते हैं, 7500 की तरफ पहले जाते हैं या 7450 की तरफ जाते हैं। एशिया ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, जिस तरह से 5-5% ऊपरी स्तरों से आप देखिए यूरोप गिरा है ना, उसके कंपैरिजन में एशिया ठीक है। हांगकांग आधा ऐसा लग रहा है SGX निफ्टी और इसको देखिए निके तो ऊपर आ गया, जो निके इतना 1% नीचे था हुआ ही नहीं है ऐसा लग रहा है। देखिए जितना सुस्ती भरा ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, फिंगर्स क्रॉस जो हम कह रहे थे कि एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए बाजार में और काफी लोग बड़े करेक्शन की उम्मीद लगाकर बैठे, बाजार जनरली सबको थोड़ा सा अप्लाई करता नहीं है। चलिए देखते एक और स्टॉक जो आज एक्शन में रह सकता है, BF यूटिलिटीज। वो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इनके मामले की सुनवाई तय तो हुई है, अब होगी या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा हो गया कि वो भेड़िया आया वाला हाल है कि होगी होगी और होता नहीं है। तो इस स्टॉक में नजर जरूर रखिएगा, ट्रेड करने के पहले थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं आएगा तो फिर ये स्टॉक चलना मुश्किल। इसलिए एक चार्ट पर फटाफट राय ले लें BF यूटिलिटीज, 20 सेकंड है मेरे पास, बताएं राकेश क्या ट्रेड बनेगा या फिर लेवल्स ही दे दें, क्या अहम है इसके लिए? बिल्कुल अनिल जी, लेवल ही देखने चाहिए। नीचे में 527 एक अच्छा सपोर्ट है, किसी ने ले रखा हो तो 527 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए दिक्कत होगी। चलिए तो ये राय BF पर आती हुई, सबका नजर जरूर रखिएगा इस स्टॉक पर एक्शन के लिए। आज से अगर कहीं डिसीजन आए तो बड़ी बात हो सकती है इस स्टॉक के लिए। चलिए प्री ओपनिंग सेशन के खत्म होकर अब कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है और बता दूं आपको कि बेहद शांत शुरुआत होने के संकेत है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर 50 पॉइंट के आसपास नीचे दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी कोई 15,000 के नीचे जाए वैसा संकेत तो दिख नहीं रहा। निफ्टी और सेंसेक्स एकदम शांत कारोबार।
छह नीचे आपके स्क्रीन पर आती है, 8 अंक नीचे सेंसेक्स, 25 अंक नीचे और 2 अंक ऊपर निफ्टी। तो एकदम शांत कारोबार सेंसेक्स और निफ्टी में इस वक्त। स्टॉक्स जो एक्शन में, सनफार्मा जो रिकॉल किए 4 लाख कार्टन, 2% नीचे स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक 1% नीचे। भेल और बैंक ऑफ बड़ौदा में आधा आधा परसेंट का नुकसान। मजबूत क्या है रिलायंस, राकेश कह रहे हैं और न चले, 1% ऊपर है रिलायंस का स्टॉक, 1% ऊपर कोल इंडिया, इन्फोसिस भी खरीदारी की राय उनकी, 1% ऊपर ये स्टॉक खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कुछ हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। अब आइए आप वायदा कारोबार के स्टॉक बताओ, उससे पहले बता दूं कि अब हरे निशान में लौट चुके हैं बाजार और 7500 के बेहद करीब है निफ्टी 11 अंकों की मजबूती के साथ और 50 अंक ऊपर आपको दिखेगा इस वक्त सेंसेक्स। तो ओवरऑल खरीदारी निचले स्तरों पर भी आती हुई दिख रही, तो माहौल उतना खराब उतना बुरा है नहीं। आइए वायदा कारोबार के शेयर देख लें। हम जो कह रहे थे कि डीएलएफ, यूनिटेक, ये तमाम रियल एस्टेट शेयरों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वाला मामला है। बैंक थोड़े से दबाव में हैं। अब आप देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, यूको, आईडीबी, बहुत सारे बैंक्स की जो क्रिसिल ने डाउनग्रेडिंग की है उसका असर यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। तो बैंक्स और रियल एस्टेट यही दबाव में है दो सेक्टर। आइए मजबूत क्या है, एमएनएम फाइनेंस 2% ऊपर, ग्रेन्यूल्स 1.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आरईसी, पीएससी में अच्छी मजबूती, दोनों स्टॉक पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। हेमंत आपने कहा एक्शन पकड़ा है, ऑयल एंड गैस स्पेस पर एक्शन है। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूती के साथ खुला है, ओएनजीसी के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए इस सेक्टर में वो एक बड़ा पॉजिटिव है और ये सेक्टर दरअसल मदद कर रहा है बाजार की। आज इंफोसिस कल की गिरावट से आज रिकवर होता हुआ, विप्रो जैसे स्टॉक्स भी आप देखिए मजबूती के साथ आज खुलते हुए यहां पर नजर आएंगे। लेकिन सनफार्मा के लिए खराब खबर, उसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ रहा है जो इसने रिकॉल किए हैं, 2% नीचे। निफ्टी का सबसे ज्यादा कमजोरी भरा शेयर दरअसल सनफार्मा ही है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यस बैंक, ये पूरा का पूरा पैक है देखिए जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी लाल निशान में अभी भी बना हुआ है, ये थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में भी। A320neo का जो एयरबस इन्होंने डिलीवरी ली है उससे फायदा इनको मिला है, करीब करीब 1.25% ऊपर। लेकिन अनिल देखिए अच्छी क्वालिटी के रियल एस्टेट शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सारे के सारे रियल एस्टेट नहीं शेयर नीचे नहीं है। शोभा जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट भी कल रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होने के बाद जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि हमारी जैसी कंपनियों को प्रॉब्लम नहीं है। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर, लेकिन क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनियों में तेजी भी देखने को मिल रही है। तो एक मिक्स रुझान देखा जा रहा है, डीएलएफ भी अब नीचे से थोड़ा सा सुधरता हुआ। चलिए तो बुरा हाल नहीं है, कहने का मतलब यही है। और आप देखिए 7500 पर निफ्टी है, हमारे निर्णायक लेवल पर पहुंच चुका है, देखते हैं आगे किस तरह बढ़ता है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुल मिलाकर माहौल ठीक है इस वक्त, बाजार में कोई खराब वाले सिचुएशन है नहीं, तो थोड़ा लग रहा है। अब कुछ देखो, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, कोल्टे पाटिल, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी क्वालिटी की कही जाती हैं। आप देखिए वो पूरा का पूरा पैक अगर उनको एक के बाद एक लाएं तो आप पाएंगे कि इस बिल के बाद अब उम्मीदें यही बन गई हैं कि कंपनियां जल्दी से जल्दी अपने सही समय पर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगी और उसके चलते आप देखिए कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अनिल आज बिल्कुल तो ये रुझान इस वक्त के बाजार का आपके लिए। चलिए हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या ट्रेड लेना चाहिए। सबसे पहले तो सुब्रमण्यम साहब, 7500 के आसपास निफ्टी, इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना हो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को, खरीदें या बेचें? जी आई थिंक जो लास्ट दो दिन में जो अनिश्चितता देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन है और हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर भी यहाँ स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी लेके चले जहाँ पर हम 7500 का कॉल जो 106 के आसपास ट्रेड करें उसको बेच के चले और 7400 का पुट जो 80 के आसपास ट्रेड करें उसको बेच के चले। तो यहाँ पर एक रेंज जो दायरे में मार्केट में रहने की संभावना है तो जो टोटल रिटर्न आती है 180 पॉइंट्स की आती है तो एक 205 का स्टॉप लॉस लगाए और एक टारगेट के लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक 110 यहां तक प्रीमियम श्रिंक होने की संभावना है। राकेश एफएनओ में देखिए डीएलएफ अब 2% ऊपर है, एचडीआईएल 2% ऊपर है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1% मजबूत है, सारे के सारे रियल एस्टेट शेयर थोड़ी सी जो नरमी के साथ भी खुले थे अब वो रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। कोई शेयर जो आपको पसंद हो जहां आप तेजी खेलना चाहें आज? देखिए हेमंत जी, इस स्पेस के अंदर सबसे बढ़िया जो स्टॉक मुझे टेक्निकली लगता है वो डीएलएफ है। नीचे में 104.50 रुपीज एक क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है डीएलएफ में 117-118 के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर एफएनओ से किसी स्टॉक को पिक करना है तो डीएलएफ को पिक करना चाहिए। अरे वाह, डीएलएफ
खरीदना चाहते हैं। आवाज ने कल अवार्ड भी दिया है डीएलएफ को। राकेश डीएलएफ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, दिल्ली के हैं ना। तो अच्छा, एक और स्टॉक जो अब तेजी की तरफ एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है कैन इंडिया, 1.25% फिर से मजबूत। और इंटरेस्टिंग बात यह कि क्रूड कल 2% नीचे था, फिर भी केन, अब केन गिरता कम है, बढ़ता ज्यादा है, ये थोड़ा सा संकेत आता हुआ दिख रहा है। आप खरीदेंगे सुब्रमण्यम साहब? जी, आई थिंक ऑयल एंड इस पर्टिकुलर प्योर ऑयल स्पेस में अगर आप देखें तो चार्ट सबसे बेहतर केन का ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ओएनजीसी में भी यहाँ पर बीच बीच में अनिश्चितता आती है, लेकिन क्रूड यहाँ पर एक स्टेडी राउंडिंग बॉटम एक बनते हुए लेकर लग रही है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो भी शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहे हैं और बाइंग भी आ रही है, और क्रूड भी सहारा दे रही है। अभी हम लगातार लास्ट एक महीने में पॉजिटिव टेरिटरी पे हम जाते हुए देखे, तो मेरा मानना है कि एक बाय डिप कैंडिडेट जरूर है अभी, और लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा दे। आई थिंक अगर लगाने का तो आई थिंक 115 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि नियर टर्म टारगेट 150-155 यहां तक आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए, हमने देखा है 100 रुपए के लेवल्स के आसपास आया जरूर था, लेकिन केन इंडिया ने उस लेवल को तोड़ा नहीं, और उसके बाद से देखिए स्मार्ट रिकवरी, करीब करीब 40 रुपए की अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखी जा चुकी है। लेकिन आप देखिए, जो हम कह रहे थे कि कुछ कमजोर क्वालिटी की जो रियल स्टेट कंपनियां हैं, यूनिटेक जैसी कंपनियां, देखिए वहां जरूर दबाव देखने को मिल रहा है, 2% नीचे है ये स्टॉक, और बाकी रियल स्टेट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई। बैंक ऑफ इंडिया के लिए खराब खबर, यूको बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ओबीसी, आईओबी, यूनियन बैंक, लंबी लिस्ट है उन बैंक्स की जहां पर प्रेशर अभी भी बना हुआ है, और यही है वो सेक्टर जो बाजार को ऊपर जाने से रोक रहा है। और अब आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान से लाल निशान में आते हुए आपको नजर आएंगे, तो बैंक्स में साफ तौर पर प्रेशर आज के सत्र में बना हुआ है, ये क्लियर कट चीज दिख रही है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी देखिए अनिल अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, खास तौर पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। कल हमने देखा था एचडीएल में एक अच्छी रैली देखने को मिलती। मरेश, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में बेस्ट पिक आपकी क्या है? एलआईसी हाउसिंग और दीवान हाउसिंग, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स काफी पसंद आ रहे हैं। जैसे बजट ने अनाउंसमेंट्स दिए हैं नए हाउसिंग को, अफोर्डेबल हाउसिंग को, जो नए शॉप्स आए हैं, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। और जैसे हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक पूरी तरह से देखते हैं इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज केटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर्स। तो जैसे इनके बायर की एक स्ट्रेंथ रहती है वो एसेट क्वालिटी में दिखती है, और एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है दोनों कंपनी की, स्ट्रेसफुल टाइम्स में भी एसेट क्वालिटी हैज नॉट डिटियोरेटेड, और वैल्यूएशन पे भी मुझे लगता है बहुत डिमांडिंग नहीं है। तो एलआईसी हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, ये हमारे टॉप पिक्स रहेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, तो ये है राय इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपके लिए। और इस बीच बैंक निफ्टी फिसलता हुआ 0.5% के नुकसान के साथ 15,100 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा, तो यहां से दबाव साफ तौर पर बनता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त बाजार में। लेकिन मजबूती ऑयल एंड गैस शेयरों में होती दिख रही, बीपीसीएल अब टॉप गेनर है, निफ्टी में रिलायंस 0.5% की मजबूती के साथ, तो ये एक्सप्रेस जरूर है जो थोड़ा सहारा देने का काम करती हुई दिख रही है। सन फार्मा में 2% का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा साफ तौर पर, ये एक एक्शन है। यूनाइटेड ब्रूरीज की हम बात कर रहे थे, एक बार वो शेयर भी और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपके लिए ले आए। यूनाइटेड ब्रूरीज 2% नीचे है और यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% नीचे है, ये 52 हफ्ते का निचला स्तर यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। इन दोनों पे राय लें? जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार के स्टॉक हैं दोनों ही, बताएं बेच के चले। जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट का सवाल है, आई थिंक कल की भी आज की कारोबार में जो हमने नरवी देख रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट में अभी एक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे आ रहा है, तो अगर यहां पर और एक 2250 तक अगर देखने को मिले तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद रिस्क रिवर्स लिहाज से एक बाइंग भी की जा सकती है, और आई थिंक डेफिनेटली यहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जहां तक यूनाइटेड ब्रिवरीज का सवाल है, आई थिंक इसमें बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है, यहां पर कुछ पहले तो यहां पर ज्यादातर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो चार्ट अगर आप देखें तो ये काफी रेंज बाउंड है, तो करंट लेवल पे आई थिंक वेट एंड वॉच ऐसा कोई राय देना मुश्किल है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में डेफिनेटली 2200-2250 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। ओके, फिलहाल आज यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 52 वीक लो लगाया है, कोलगेट देखिए अब 800 रुपए के नीचे आ गया। इन तमाम शेयरों की बात हमने बाजार खुलने से पहले की थी, और यूनाइटेड ब्रूवीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोलगेट, ये तीनों ही शेयर दबाव के साथ ट्रेड करते हुए, कोलगेट अब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। राकेश, चार्ट्स आप देखकर अभी कोई ट्रेड लेने का मन कर रहा है या रुकना चाहेंगे, या आपको लगता है कौन सी लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए? देखिए अहमद जी, दो अलग चीजें, अगर टेक्निकली कोई ट्रेड कर रहा है
कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन हुआ था, 808 के अराउंड की क्लोजिंग थी, 840 के ऊपर का स्टॉप लॉस बैठता है, स्टॉक ने एक नया लो लगाया था और टेक्निकली अगर आप देखते हैं स्टॉक के अंदर नेक्स्ट एक बड़ा सपोर्ट आता है स्टॉक में, 760 से 770 का जोन है। अगर लंबी अवधि के नजरिए से खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 770 के अराउंड आता है तो एक अच्छा लेवल्स है खरीदने के लिए। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और अब हेमंत जो दिखा रहे वो ये कि जिसे हरे निशान में आने की कोशिश करते हैं बाजार, थोड़ी सेलिंग गहराती हुई दिखती, वहां से प्रेशर बनता हुआ जरूर साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए इस वक्त 25 अंकों का नुकसान है, नुकसान बड़ा नहीं है लेकिन ऊपर के लेवल पर टिकने में थोड़ी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार बंद होने के बाद आईपी के आंकड़े, तीसरे महीने लगातार नेगेटिव आने की बातें, ये सारी चीजें हो सकती हैं जो ट्रेडर्स के रडार पर, और एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है। नहीं बिल्कुल, तो देखते हैं आज किस तरह का माहौल रहता है। फिलहाल तो सुस्ती है लेकिन वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का, राकेश, मयूरेश और साथ ही सुब्रमण्यम साहब, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब सीधे बात करेंगे हम सिट्रस